जबलपुर के हिस्ट्री चीटर अब्दुल रजाक पहलवान के बेटे सरताज के खिलाफ जबलपुर पुलिस लुकआउट सर्कुलर जारी करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में फरार होकर देश के बाहर भागने वालों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है, जिसमें देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में तस्वीरें, वीजा और पासपोर्ट संबंधित जानकारियां भेजी जाती है, जिसके तहत आरोपी को एयरपोर्ट अथॉरिटी और किसी भी शहर की पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरताज के दुबई में होने की आशंका जताई जा रही है और वो कहीं से अपने पिता की गैंग को ऑपरेट भी कर रहा है। बीते दिनों 27 अगस्त को विजयनगर थाना क्षेत्र में सरताज ने दुबई से ही अपने गुर्गों को भेजकर अभ्युदय चौबे पर जानलेवा हमला करवाया था और दूसरे दिन कोर्ट परिसर में हंगामा कराया था, जिस पर पुलिस ने भी उसके सभी प्रकरणों में आरोपी बनाया। लेकिन FIR होने के बाद से सरताज लगातार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत अब काम कर रही है। भी एक सिद्धांत है, CRPC में भी है और इन्वेस्टिगेशन में बड़ी आम बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति फरार है, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है और अरेस्ट के लिए पुलिस बहुत प्रयास कर रही है लेकिन वो फरार रहता है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम 82-83 CRPC के तहत उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के तहत प्रक्रिया होती है और उसमें कुर्की जो संपत्ति की होती है वो होती है, तो ये प्रक्रिया इसमें भी फॉलो की जाएगी और हम इसको आगे हम कर भी रहे हैं। आपको बता दें कि सभी फरार आरोपियों को 4 फरवरी 2022 तक पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की मोहलत दी गई है और अगर 4 फरवरी तक आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज।